हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेडेटिफॉर्म मोल, या फिर इसको वैस्कुलर मोल भी बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आखिर ये है क्या। तो ये आता है जेस्टेशनल टोफू ब्लास्टिक डिजीज के अंडर में। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब जो टोफू ब्लास्ट होता है उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो जो प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई जो होती है, जब उसमें पार्शियली डीजेनरेटिव और पार्शियली पॉलीफ्रेटिव चेंजेस आते हैं, तब उसमें हाइड्रेटिफॉर्म मोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर तब उसकी वजह से हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है। तो ये पार्शियली डीजेनरेटिव और पार्शियली पॉलीफ्रेटिव आखिर रह गया। पार्शियली डीजेनरेटिव मतलब जो यंग कोरियोनिक विलाई है उसमें थोड़ा पार्शियली मतलब कुछ हद तक डीजनरेशन होगा, यानी कि जो सेल्स होंगे वो डीजनरेट होंगे और पॉलीफ्रेशन होगा, और थोड़ा पॉलीफ्रेशन होगा यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। पॉलीफ्रेशन मतलब डिवीजन नहीं है सिर्फ, बल्कि एबनॉर्मल ग्रोथ से यहाँ पे मतलब आ रहा है कि पार्शियली डीजनरेटिव है और पार्शियली पॉलीफ्रेटिव है, और वो हो किस मेरा यंग कोरियोनिक विलाई में। इट रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिस्ट। तो उसकी वजह से होता क्या है, जब बहुत सारा डीजनरेशन होगा और पॉलीफ्रेशन होगा उसकी वजह से बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि ग्रेप्स का होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, उस टाइप से स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। इंसिडेंस इसका देखा गया है 1:40 प्रेगनेंसीज इन इंडिया, यानी कि 400 में से एक प्रेगनेंसी इंडिया में हाइड्रेटिफॉर्म मोल के साथ होती है। ये रेस के अकॉर्डिंग डिफर करता है। फिलीपींस में इसका रेशियो जो होता है वो होता है 1:80, और अगर देखा जाए कि यूरोपियन कंट्रीज में ये जाएगा 1:800 या 1:700 इस टाइप से। यूरोपियन कंट्रीज में इसका जो है इंसिडेंस रेट कम है, और फिलीपींस वगैरह में इसका रेट इंसिडेंस रेट ज्यादा है। देन आते हैं तो इटियोलॉजी, वो सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो जाता है या फिर वेस्कुलर मोल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है टीनेज प्रेगनेंसी या फिर वुमेन ओवर 35 इयर्स ऑफ एज। तो टीनेज प्रेगनेंसी यानी कि जो 19 से पहले प्रेगनेंसी हो रही है उसमें चांसेस देखने को ज्यादा मिलते हैं, और वो प्रेगनेंसी जिसमें वुमेन की एज होती है मोर देन 35। उसके बाद होता है रेस। अभी जैसे इंसिडेंस रेट में बात करी थी कि फिलीपींस में 1:80 का रेशियो मतलब इंसिडेंस रेट होता है, तो रेस के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंस है इसका, सॉरी जो इटियोलॉजी है वो भी चेंज हो जाती है। फॉल्टी न्यूट्रिशन, तो अभी फॉल्टी न्यूट्रिशन में हो सकता है कि अगर फीमेल को जो है वो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रही है या फिर लो डाइट्री इनटेक है कैरोटीनिन की, तो उसकी वजह से इसका इंक्रीज्ड रिस्क देखा जाता है। देन डिस्टर्ब्ड मैटरनल इम्यून मैकेनिज्म, यानी कि जो यहाँ पे मदर का इम्यून मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है गामा ग्लोबुलिन लेवल बढ़े हुए हों या घटे हुए हों, या तो फिर एबीओ जो ग्रुपिंग होती है उसकी वजह से हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें एबनॉर्मलिटी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि कई बार जो ओवा होता है वो अंदर से खाली होता है, लाइक उस ओवा के अंदर उसका खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इस केस में हो सकता है लाइक ओवा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस है जब, तब हो सकता है, या फिर फर्टिलाइज्ड बाय हैप्लॉइड स्पर्म, यानी कि डिप्लॉइड की जगह हैप्लॉइड स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रायर हाइड्रेटिफॉर्म मोल, अगर उस फीमेल में ऑलरेडी हिस्ट्री है हाइड्रेटिफॉर्म मोल की तो हो सकता है कि वो वापस से शो करे, या फिर उसका जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, हेरिडिट्री अगर उसको लाइक उसकी फैमिली हिस्ट्री में है तो भी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स को हमने दो में डिवाइड किया है, एक है सिम्टम्स और एक है साइन। तो सिम्टम्स वो होगा जो वेमेन हमें खुद बता सकती है और साइंस हम देखेंगे। तो सबसे पहला होगा वजाइनल ब्लीडिंग। इसमें वजाइनल ब्लीडिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब वो वजाइनल ब्लीडिंग कंसील्ड भी हो सकती है, यानी कि यूट्रस के अंदर हो और कंसील्ड रहे यानी कि दिखे ना, ऐसी भी हो सकती है और रिवील्ड भी हो सकती है। तो वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। देन लोअर एब्डोमिनल पेन, अभी लोअर एब्डोमिनल पेन इस वजह से आ रहा है बिकॉज जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल है उसमें अभी अभी जस्ट पढ़ाता है कि उसमें पॉलीफ्रेशन बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है, तो पॉलिफ्रेशन की वजह से उसमें जो नंबर ऑफ सिस्ट हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्रस पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, यानी कि जितना जगह फीटस लेता है उससे ज्यादा जगह अभी हेडेटिफॉर्म मोल्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेचिंग, ये देखिए आप लिखा हुआ, ड्यू टू स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द यूट्रस, इसकी वजह से होगा, या फिर कंसील्ड हेमरेज की वजह से हो सकता है, क्योंकि वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो अगर उसमें है तो कंसील्ड हेमरेज की वजह से हो सकता है, किसी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं, बिकॉज यूट्रस की आदत होती है कि अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी मटेरियल है जो कि प्रॉपर नहीं है बॉडी के लिए, तो वो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सपल, क्योंकि यूट्रस जो है वो अपने अंदर से उस हाइड्रेटिफॉर्म मोल को एक्सपेल आउट करना चाहता है। देन एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है बिकॉज HCG लेवल्स जो हैं बॉडी में वो हाई होते हैं। ब्रेथलेसनेस, अभी ब्रेथलेसनेस का भी यही रीजन है बिकॉज आउटस्ट्रेचिंग हो रही है यूट्रस की, यूट्रस में बहुत ज्यादा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हैम्पर करेगा। देन टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का भी यही रीजन है बिकॉज अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो टैकीकार्डिया ऑब्वियसली हो जाएगा। एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल पर वजाइनल, जो हाइड्रेटिफोर मोल है उसी को यहाँ पे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है, तो ग्रेप लाइक वेसिकल जो है वो एक्सपेल आउट भी कुछ कुछ कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं कि वो एक्सपेल आउट खुद से हो, बिकॉज यहाँ पे यूट्रस कोशिश कर रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करने की, तो हो सकता है कि एक्सपल्जन ऑफ द मोल्स यहाँ पे नजर आए पर वजाइनल। और हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग इज एबसेंट, हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग क्या होता है कि ये साइन ऑफ लाइव होता है, जो कि यूजुअली 16th वीक ऑफ जेस्टेशन में दिख जाता है, कि उसमें जब बेबी होता है वो पहली बार हल्का बहुत मूव करता है, तो उसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ क्विकनिंग, तो यहाँ पे क्विकनिंग एबसेंट होगी बिकॉज एक्चुअली में वहां पे बेबी है ही नहीं। देन आते हैं साइंस जो हमें दिख रहे होंगे, पेशेंट लुक मोर इल, अभी इल का रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज उसको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको एब्डोमिनल पेन है, ब्रेथलेसनेस है, टैकीकार्डिया है, तो इन सब रीजंस की वजह से वो इल दिखेगा। देन आएगा पेलर, अभी बिकॉज यहाँ पे चांसेस ऑफ एनीमिया बहुत हाई होते हैं, बिकॉज इसमें कहा गया है कि वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, कंसील्ड हेमरेज हो सकता है, और इन केस अगर किसी भी तरीके का आयरन डिफिशियंसी है या फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, तो उसकी वजह से भी पेलर लुक हो सकता है वेमेन में। देन फीचर्स ऑफ प्री इक्लेम्शिया, यहाँ पे प्री इक्लेम्शिया के फीचर्स होंगे, यानी कि जो BP लेवल्स हैं वो हाई होंगे फीमेल के, और प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट हो सकता है। देन एब्सेंट FSH और फीटल पार्ट्स, अगर एब्डोमिनल इंस्पेक्शन हो, एब्डोमिनल पालपेशन होगा या ऑस्कल्टेशन होगा, तो उससे पता चलेगा कि फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट नहीं है और जो फीटल पार्ट्स हैं वो भी एब्सेंट हैं। इंक्रीज्ड HCG लेवल, अभी बताया था कि अगर हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है तो HCG लेवल बॉडी में हाई होते हैं, तो वही एक है कि ये चीज देखने को मिलेगी। और मोर साइज ऑफ द यूट्रस, बिकॉज जो यहाँ पे एबनॉर्मल पॉलिफ्रेशन हो रहा है उसकी वजह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी उतने ज्यादा फॉर्म होते जा रहे हैं, तो अभी वो जो फीटस होगा उसके मुकाबले ये अभी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं, इस वजह से साइज ऑफ द यूट्रस भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स में, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट और पार्शियल, पार्शियल को इनकम्प्लीट भी कह दिया जाएगा। तो आखिर कंप्लीट और पार्शियल है क्या? सो कंप्लीट ये होता है कि जिसमें किसी भी तरीके के फीटस के डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं, और प्लेसेंटा में शुरुआती तौर से यही था कि लाइक हाइड्रेटिफॉर्म मोल तक कंप्लीटली हाइड्रेटिफॉर्म मोल से ही यूट्रस अभी फिल्ड है। बट पार्शियल में क्या होता है कि एक थोड़ा बहुत जो होता है वो हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, मतलब पार्शियली आधा ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटिफॉर्म मोल होगा, और जो सेकेंड पार्ट लेफ्ट ओवर पार्ट होगा उसमें जो होगा वो फीटस होगा। तो इसमें एक डायग्राम है इसका, इस टाइप से होगा, ये देखिए ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल है और ये एक फीटस है, तो यहाँ पे यूजुअली फीटस की डेथ देखने को ही मिलती है बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन का जो एक तरीके का काम कर रहा है वो यही प्लेसेंटा ही करेगा कि हाँ वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए, बट क्योंकि अभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे, और उसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए कोई भी खास ब्लड वेसल्स ऐसी नहीं नजर आ रही है, इस वजह से यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डेथ बहुत ज्यादा होता है,
और जो फीटस होता है वो ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। तो इन्वेस्टिगेशन से कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली वो है या नहीं। तो सबसे पहले होगा फुल ब्लड काउंट। इसमें फुल ब्लड काउंट का ये भी रीजन होता है बिकॉज चेक करते हैं कि एनीमिया की कंडीशन तो नहीं फॉर्म हो रही है फीमेल में। देन एबीओ ग्रुपिंग देखते हैं और आरएच ग्रुपिंग देखते हैं। देन हिपैटिक रीनल एंड थायरॉइड फंक्शन, लिवर का, किडनी का और थायरॉइड फंक्शन टेस्ट भी इसमें किया जाता है। देन आफ्टर सोनोग्राफी, सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं क्या 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 है। इसमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। देन क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ एचसीजी, वही है कि इसमें बिकॉज एचसीजी लेवल हाई होते हैं तो हमने डायरेक्ट एचसीजी ही को मेजर करेंगे कि आखिर एचसीजी लेवल कितना ज्यादा है बॉडी में। उसके बाद प्लेन एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, हम एक्सरे कर सकते हैं एब्डोमेन का और सीटी या तो एमआरआई फॉर मोर क्लियर इमेजिंग। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो होते हैं जो कि सिम्टम वाइज काफी हद तक कोई और डायग्नोसिस भी सेम जैसा लग रहा हो बट एक्चुअली अलग हो। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मतलब इसके जो साइंस होंगे वो इन सारी कंडीशन से भी मैच करेंगे बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमें पता चलता है कि वो एग्जैक्ट कंडीशन क्या डेवलप हो रही है। पहला होगा थ्रेटन्ड अबॉर्शन बिकॉज थ्रेटन्ड अबॉर्शन में भी वजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसके बाद पेन की हिस्ट्री होती है तो ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड और ओवेरियन ट्यूमर विथ प्रेगनेंसी, बिकॉज यहाँ पे आउटस्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस हो रही है तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है कि फिब्रॉइड या फिर ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। विद प्रेगनेंसी इसलिए लिखा है बिकॉज क्योंकि प्रेगनेंसी भी है बिकॉज उसको नोजिया, वॉमिटिंग ये सारे फीचर्स भी हैं। और इन केस ऑफ पार्शियल, ये पार्शियल वाले टाइप में क्योंकि फीटस भी ग्रो कर रहा होता है इस वजह से विद प्रेगनेंसी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एंड थर्ड वन होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अभी मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इसी वजह से मेनली कहा गया है बिकॉज आउट स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है, एचसीजी लेवल्स की वजह से वॉमिटिंग और जो नोजिया है वो भी ज्यादा हो जाएगी और ब्रेथलेसनेस और टैकीकार्डिया देखने को ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि आखिर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है पहले तो कि हेमरेज एंड शॉक। अभी हेमरेज हो सकता है बिकॉज कंसील्ड हेमरेज हो सकता है या फिर रिवील्ड हेमरेज हो सकता है, लाइक ब्लड लॉस हो सकता है परवाजाइनल या फिर शॉक की वजह से। अगर इनकेस ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है और उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन सेप्सिस, सेप्सिस इसलिए होगा बिकॉज कई बार जो हेडिटिफॉर्म मोल होता है वो परफोरेट हो जाता है विद इन द यूट्रस, इसकी वजह से सेप्सिस होने के चांसेस हाई होते हैं। सेप्सिस या फिर आप इसको इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, जो हेडिटिफॉर्म मोल होता है वो परफोरेट करके यूट्रस में चला जाता है, यानी कि वो अपनी जगह से छोड़ के वो यूट्रस के अंदर भी जाने की कोशिश करने लगता है, लाइक इस टाइप से यूट्रस की जो मसल्स होती है उसमें। देन प्री एक्लेम्पशिया, बिकॉज साइन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया तो था ही, फीचर्स आने लग गए थे प्री एक्लेम्पशिया के, तो हो सकता है एज एन कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लेम्पशिया भी डेवलप हो जाए। देन एक्यूट पल्मोनरी इनसफिशियंसी, ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज अगर जो वेसिकल्स हैं उसके अंदर पूरा फ्लूड फील्ड है, अगर उसकी वजह से पल्मोनरी इम्बोलिज्म भी हो सकता है तो उसकी वजह से एक्यूट पल्मोनरी इफिशियंसी हो सकती है, इनफिशियंसी हो सकती है। देन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट के तीन प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है सेक्शन इवैक्यूएशन, सपोर्टिव थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड फॉलोअप। ठीक है, तो सेक्शन इवैक्यूएशन में क्या करते हैं कि यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि जो भी हाइड्रेटिफॉर्म मोल है चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, मतलब या फिर उसको एक्सपेल आउट करवा लिया जाए फ्रॉम द यूट्रस, तो उसके लिए हम सेक्शन इवैक्यूएशन करते हैं। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सक्शन जो भी मटेरियल होता है उसको विद इन द यूट्रस से उसको एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। उसके बाद होती है सपोर्टिव थेरेपी, तो यहाँ पे सपोर्टिव थेरेपी में अगर एनीमिया के चांसेस दिख रहे हैं तो हम उसको उस हिसाब से लाइक जो भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा और जो भी सपोर्टिव होगा लाइक बॉडी के लिए वो सारे मैनेजमेंट यहाँ पे करेंगे। और काउंसलिंग एंड फॉलोअप,
काउंसलिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे फीमेल्स को कई बार हेरिडिटरी मोल्स के बारे में प्रॉपरली नहीं पता होता है, तो उनको काउंसिल करना होता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में वो चीज़ है कि नहीं है या रेस की वजह से हो रहा है, जो भी है। उसके बाद प्लान्ड प्रेगनेंसी के बारे में उनको प्रॉपरली बताना है एंड फॉलो अप के लिए उन्हें रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कंसीव करते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें लगती है तब उन्हें फॉलो अप के लिए आना होगा। तो ये था हमारा टॉपिक हाइड्रेटिफॉर्म मोल या फिर वेस्कुलर मोल के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो की या फिर और भी कुछ वीडियोस के लिंक पीडीएफ लिंक को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।